तीन आंख वाली जादुई सोने की चिड़िया। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में राधा अपने पति किशन के साथ रहा करती थी। किशन एक लकड़हारा था जो पहाड़ी जंगलों में जाकर लकड़ियां काटा करता था। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह किशन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के लिए निकलने लगता है कि तभी उसकी बीवी राधा उसको रोकते हुए उससे बोलती है, अरे ये क्या, आप आज फिर बिना कुछ खाए जंगल में जा रहे हैं लकड़ियों को काटने? हाँ राधा, क्योंकि आज भी मुझे भूख नहीं लग रही। अच्छा मैं जाता हूँ। पर कुछ तो खाते हुए जाइए। राधा किशन को खाने के लिए बोलती रह जाती है और किशन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद किशन जंगल में पहुंचता है और लकड़ी काटने लगता है। तभी उसकी नजर एक घायल चिड़िया पर पड़ती है जो कि पीले रंग की होती है और उसकी तीन आंखें होती हैं। ऐसी अतरंगी चिड़िया को देखकर किशन मन ही मन खुद से बोलता है, अरे ये कैसी अनोखी चिड़िया है, आज से पहले मैंने ऐसी तीन आंख वाली चिड़िया कभी नहीं देखी। ये बोलकर किशन उस चिड़िया के पास जाता है और उसके चोट को देखकर बोलता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत घायल है, मुझे इस चिड़िया को घर लेकर जाना चाहिए और इसकी चोट पर पट्टी करनी चाहिए। ये बोलकर किशन उस चिड़िया को उठाता है और अपने साथ घर ले जाता है, जहां राधा भी उस तीन आंख वाली जादुई सोने की चिड़िया को देखकर हैरान हो जाती है और किशन से बोलती है, अरे ये कैसी चिड़िया है और ये तीन आंख वाली चिड़िया आपको कहां से मिली? ये चिड़िया मुझे जंगल में घायल अवस्था में मिली। राधा मुझे ये कोई मामूली चिड़िया नहीं लगती, देखो इसकी तीन आंखें हैं और इस चिड़िया को देखकर ऐसा लगता है कि ये सोने की है। आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। राधा तुम इस चिड़िया की चोट पर मलहम लगा दो, क्या पता ये चिड़िया ठीक हो जाए। किशन के बोलने पर राधा तुरंत तीन आंखों वाली जादुई सोने की चिड़िया की पट्टी करती है और कुछ देर बाद वो तीन आंखों वाली जादुई सोने की चिड़िया होश में आ जाती है। चिड़िया के आंख खोलते ही किशन उसके पास आता है और अनाज का कुछ दाना और पानी उसके सामने रख देता है और उस चिड़िया से बोलता है, तो अब कैसी हो चिड़िया रानी? अब मैं पहले से ठीक हूँ, क्या तुमने मेरी जान बचाई है? तीन आंख वाली जादुई सोने की चिड़िया को बोलता देख राधा और किशन हैरान रह जाते हैं और राधा किशन से बोलती है, देखा आपने, मैं ना बोल रही थी कि ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है, देखो ये चिड़िया हमसे बात कर रही है। हाँ राधा तुम सही हो। उन दोनों को हैरान होता देख चिड़िया उन दोनों से बोलती है, सही पकड़ा तुम दोनों ने, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं बल्कि तीन आंख वाली सोने की जादुई चिड़िया हूँ और मेरी ये तीन आंखें भी जादुई हैं। मेरी साइड की दो आंखों में से सोने और पैसे निकलते हैं और मेरे बीच वाले आंख से हीरे निकलते हैं। क्या, सोना पैसा और हीरे? किशन जी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं तुम कोई सपना नहीं देख रही, ये सब सच है। किशन जी आप ये मायावी चिड़िया कहाँ से ले आए? मैं एक नेक तीन आंखों वाली जादुई सोने की चिड़िया हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। राधा के बोलते ही तीन आंखों वाली जादुई सोने की चिड़िया अपनी आंखों से सोने और तीसरी आंखों से पैसे निकालकर राधा और किशन को दिखाती है और तीन आंखों वाली जादुई सोने की चिड़िया उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये सोना पैसा रख लो। अरे नहीं जादुई सोने की चिड़िया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इन सोने पैसे और हीरे का क्या करेंगे? अच्छा जादुई सोने की चिड़िया तुम घायल कैसे हो गई? तुम्हारी ये हालत किसने की? राधा के पूछने पर तीन आंखों वाली जादुई सोने की चिड़िया बोलती है, मैं परीलोक से हूँ, मैं परीलोक से मानव लोग घूमने आई थी और एक शिकारी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया और एक पिंजरे में कैद कर दिया और जब मैंने उस शिकारी से बोला, हे मानव मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लोक की नहीं हूँ, मैं परीलोक से आई हूँ, मुझे छोड़ने के लिए तुम मुझसे जितना सोने पैसा और हीरे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, मेरी तीनों ही आंख जादुई हैं। ये बोलकर जादुई चिड़िया अपने दोनों आंखों से कुछ सोना चांदी निकालकर उसको दे देती है। ये देखकर शिकारी के मन में लालच आ जाता है और वो चिड़िया से बोलता है,
तू तो मेरी तिजोरी की चाबी निकली। अब तू मुझे सोना पैसा देगी जिसे बेचकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं करूंगी। चिड़िया की ये बात सुनकर शिकारी को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो शिकारी फिर से चिड़िया के पास आता है और उससे बोलता है, तुमने बोला था कि तुम्हारी तीनों आँख जादुई हैं और तुम्हारी बीच वाली आँखों से हीरा निकलता है। हाँ ये सच है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या तो भी तुम मुझे सोना पैसा और हीरा नहीं दोगी? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें सोने और पैसे दे दूंगी। और हीरा? मेरी आँखों से ऐसे ही हीरा नहीं निकलता। जब मेरी आँखों से आंसू की बूंद निकलती है तो वो हीरा बन जाता है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ सोना और पैसा दे सकती हूँ। अच्छा तो तुम मुझे सोना और पैसा दे दो, मैं तुम्हें आज ही छोड़ दूंगा। अपनी आजादी देखकर तीन आंख वाली जादुई सोने की चिड़िया उसको बहुत सारा सोना और पैसा दे देती है, जिसके बाद शिकारी चिड़िया की गर्दन पकड़ लेता है और उसको दर्द होने लगता है। दर्द से तड़पती चिड़िया शिकारी से बोलती है, तुमने जो बोला मैंने वो किया, अब मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे तुझे दर्द होगा तभी तो तेरे आंसू निकलेंगे और वो आंसू हीरे में बदलेंगे। मैं तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे तेरे जान से अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं अमीर हो चुका हूँ, बस थोड़ा हीरा मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। इसी तरह वो शिकारी तीन आंखों वाली जादुई सोने की चिड़िया को दर्द देता है, पर जादुई सोने की चिड़िया अपनी आंखों से आंसू का एक बूंद भी नहीं निकलने देती। शिकारी अपने लालच में आकर उसकी बुरी हालत कर देता है और चिड़िया बेहोश हो जाती है। बेहोश तीनों आंखों वाली जादुई चिड़िया को देखकर शिकारी को लगता है कि वो मर गई, इसलिए वो उसको एक जंगल में फेंक देता है। ये थी मेरी कहानी। ये बताते हुए चिड़िया रो पड़ती है और उसकी आंखों से निकला आंसू हीरे में बदल जाता है। चिड़िया को रोते हुए देख राधा चिड़िया से बोलती है, तुम रो मत, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं और हम तुमसे वादा करते हैं तुम जैसे ही ठीक होगी हम तुम्हें जाने देंगे। ये बोलकर राधा और किशन तीन आंखों वाली चिड़िया की बहुत देखभाल करते हैं और कुछ सोना बेचकर उनसे मिले पैसों से दवाई लाते हैं। कुछ ही दिनों में तीन आंख वाली सोने की जादुई चिड़िया एक बार फिर से उड़ने लगती है और जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर राधा किशन को अपनी जादुई आंख से बहुत सारा सोना पैसा और हीरा देती है। सोने पैसे को देखकर किशन जादुई चिड़िया से बोलता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, और इस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। इन सोने पैसे और हीरे से तुम जरूरतमंद की मदद करना, जैसे तुमने मेरी की। ठीक है तीन आंखों वाली जादुई सोने की चिड़िया, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। ये बोलकर तीन आंख वाली जादुई सोने की चिड़िया अपने परीलोक में चली जाती है और राधा किशन जादुई चिड़िया के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं और अब वो दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।